दोस्त आए जी हमारे जाफराबाद से, मसला आज आपके सामने ये रखने लगे हैं। कहते हैं जी वनी जो खानदानी दुश्मनियां सब इसी से शुरू होती हैं, तो दे ब्रिंग द स्टोरी। चलिए जी अब तैयार है। गाड़ो अनार आहे मुझो जानी, हुस्न में गोर आहे मुझो जानी, मिठो अनार आहे मुझो जानी, हुस्न में जोर आहे मुझो जानी, छक्का चौका हंडो आहे हर वाले ते बोल्ड अरे क्या हुआ, छक्के चौके तो तुमने लगा दिए ना, एक बॉल पर बोल्ड हो गए तो कौन सी बड़ी बात हुई। चलो इसी खुशी में मैं तुम्हें शहर घुमा के आऊं। मैं उस्ताद मुझे सबक याद है, मुझे घर जाना है। मैंने तुम्हें सबक दिया कब है जो तुम्हें याद है? चलो आओ तुम्हें सबक दूं फिर जाना। शाबाश इधर आओ बैठो, इधर बैठो शाबाश। नहीं उस्ताद मुझे घर जाना है। यार देखो और भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैं उन्हें खर्ची देता हूँ तुम्हें देता हूँ इसीलिए कि तुम अच्छे हो। चलो इधर आओ बैठो शाबाश बैठ जाओ इधर। नहीं सो साथ खरू आज यार फिल्म में चलाई है बता मजा है इसमें। क्योंकि ये हमेशा अंग्रेजी फिल्म चलाता है। वाह यार वाह जो सीन है असल मजा दे दिया। अरे दुनिया में बड़े बड़े रंग हैं। अरे खैरल ले बार मैं मेरा बेटा गुल्लू तो नहीं आया इधर? वो मुझे पता नहीं आके देख ले। चौदह नंबर पना दे ओ गुल्ले सुबह से इसी गाड़ी को लगा हुआ है क्या हो रहा है? बना रहा हूँ उस्ताद। अरे खैरा जल्दी कर ले जल्दी 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 काम कर लो। उस्ताद बशीरा मेरी गाड़ी का क्या हुआ? अरे गुल्लो क्या हुआ इसकी गाड़ी का? उस्ताद गैस लीक करी है, दो घंटे लगेंगे। यार गाड़ी ली है तो कम से कम उसकी मरम्मत भी करा लिया करो। मरम्मत भी करा लिया करो, कल से मेरी गाड़ी खड़ी हुई है आज तक बनी नहीं। ये लो चाबी बन जाए तो भेज देना घर। बढ़िया था अक्रम, खैर तो है क्यों बच्चे को मार रहे हो? बस उस्ताद बशीरा क्या बताऊं, निभागे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजता हूँ, मास्टर के बारे में फजूल बकवास करता है। अब बताओ भला ऐसी बात करनी चाहिए उस्ताद के खिलाफ? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा अच्छा सा कारीगर बन जाए। कारीगर तो इसे मैं टॉप का बनाऊंगा, वो तुम बेफिक्र हो जाओ। बड़ी मेहरबानी अदा बड़ी मेहरबानी। अरे छोटे नाम क्या है तुम्हारा? आरिफ उस्ताद। अरे आरिफ सुनी ना अपने बाप की बातें, अगर मेरी बात मानोगे ना तुम्हारी गाड़ी टॉप गियर में चलेगी टॉप गियर में, वरना मुझे कान खींचना अच्छे तरीके से आते हैं। अरे चलो जी साथ। अरे इस नए लड़के को तो अंदर भेजो। ठीक है उस्ताद जाओ भाई अंदर जाओ, जाके उस्ताद से पहला सबक लो। नहीं सही हुआ यार।
तुम भाग भरो ओ वाह, इसने तो हमारी नाक की कटवा दी। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे भाई की आदत की है। इसने पढ़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने इसे गैरेज में रखा। लेकिन मुझे क्या मालूम कि वहां पर इसके साथ पर चाचा, अब हमें क्या करना चाहिए? कसम सा तू भाग भरो कसम सा तू भाग भरो ओ साजड़ा मानू मिलिया तई वो यार ओ साजड़ा। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। लेकिन कल को खून खराबा हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे तुम। हाँ नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सोच कर फिर हाजिर होता हूँ कसम सा तू भाग भरो अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं यहाँ पर बुलाकर फैसला जिरगा कराऊंगा और दंड चट्टी भी रखूंगा उसके ऊपर। लेकिन यार बदनामी तो होगी ना। अरे लाख रुपए वाला, अरे चरा तेरी डिमांड है। ये जवाले किधर पर ही डिमांड है बाबा? बता सही, मैं अपनी बिरादरी से मशवरा करके फिर हाजिर होता हूँ ओ वाह, चुप क्यों हो? आखिर कुछ बोलते क्यों नहीं? हम क्या करें हम क्या करना चाहिए हमें? जिरका, थाना, दुश्मनी और सभा रसवाई के, और हमें क्या मिलेगा? मैं इस बात को यहीं पर खत्म करता हूं। इसी में हम सबकी बड़ाई है। हम लोगों को बच्चे को शुरू से प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए। माँ बाप का फर्ज है उसे बताएं कि मर्द क्या है, औरत क्या है, उनके दरमियान में ताल्लुक क्या है। यही वो चीज़ है सेक्सुअल अब्यूज, जब जो बच्चा होता है या जो करने वाला है, ये साइकोलॉजिकली उनकी डिपेंडेंस होती है, वो आदि हो जाते हैं उस चीज के। एक बात आप जरूर कर सकते हैं, प्लीज अपने बच्चों की बात सुने और उस पर यकीन करें। इस बच्चे की बात बाप नहीं सुनता। वी आर ए डिक्टेटर फादर जो एक डंडा लेके खड़ा है, जो ड्रैकुला है, इसलिए वो बात करते हुए डरते और हम उसकी बात का एतबार नहीं करते। और कुछ ना कीजिए, सेव योर चिल्ड्रन, प्लीज लिसन टू देम एंड ट्रस्ट देम एंड देन ग्रेट जो आपने कहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आइए इस ग्रुप के लिए जो जाफराबाद से बहुत दूर से आया है, बहुत बहुत